हेलो स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर देने वाले सभी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ऐसा क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके पेपर में जरूर आएगा। गारंटी लेता हूं 100% आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके सामने क्वेश्चन है प्रमाप विचलन का, स्टैंडर्ड डिविएशन इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख दिया है और आप जानिए क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस कौन सी सीरीज का है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज का है, मतलब कि सतत श्रेणी का है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है दो मेथड से सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो हम आपको सबसे पहले डायरेक्ट मेथड बताते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एस डी इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपान एन, हमारा फॉर्मूला होता है। ये मेरा फार्मूला है, अपना फार्मूला है, इसको बच्चों प्यारे स्टूडेंट्स को रट लीजिएगा। सबसे पहले इस फार्मूले को अप्लाई करने के पहले हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन। आपको मैं बता दूं, प्रमाप विचलन भी इससे आप सीख जाओगे, आप समांतर माध्य भी निकालना सीख जाओगे कॉन्टिन्यूस सीरीज से। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें सबसे आपको पहले लिखना है मिड वैल्यू, एम बी मतलब मिड वैल्यू, मध्य बिंदु इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसमें आपको मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो क्लास इंटरवल दिया है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, कितना आएगा 5, अगले में आएगा 15, अगले में आएगा 25, अगले में आएगा 35, अगले में आएगा 45। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, यहां पर क्या निकाला जाता है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल ली जाती है। मिड वैल्यू आप निकालेंगे ना, अब क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कराना है। ध्यान दीजिएगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कराना है। एफ और एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो एफ हमारा है 8, एक्स हमारा है 5, 8 × 5 = 40 आपका हो जाएगा, 8 × 5 = 40 आपको लिख देना है। थोड़ा कम सही लिख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 × 5 = 40 आपको लिख देना है। 15 का गुणा 13 से करा दीजिए, 195। 16 का गुणा 25 से करा दीजिए, कितना 400। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कैलकुलेटर पेपर में ले जा सकते हो, 35 × 8 280, 45 × 5 225। अब क्या कराना है प्यारे बच्चों, अब हमें कराना है इसको जोड़ लेना है, आएगा हमारा सिग्मा एफ इंटू एक्स इक्वल टू, इसको प्यारे बच्चों जोड़ लीजिएगा, एफ को जोड़ लेंगे तो एन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8 × 5 = 13 ना, 13 × 13 = 26, 26 × 10 = 36, 36 × 6 = 42, 42 × 8 = 50, एन हमारा आ जाएगा 50। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 11 × 40 = 11 1140 भागे कर दो, 50 से भाग दे दो बेटा, 22.8। ये हमारा क्या आ गया, एक्स बार अगर पेपर में पूछ ले, 10 नंबर का ये भी पूछ लेता है पेपर में, 12.8 आपका उत्तर आएगा, 9-10 नंबर का भी पूछ लेता है पेपर में, सिर्फ इतना लगाना रहता है आपको। लेकिन इतना लिख लोगे, जोड़ने में कितना आया था, 1140, इसका काम हो गया। और आपको मैं बता दूं, आगे आइए, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी सी, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लेना क्योंकि जगह नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं भी। जब समांतर माध्य निकाल लिया जाया तो अब आगे क्या करना है, समांतर माध्य निकाल लिया गया तो कितना आया, 22.5, एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर डी स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे, फिर यहां पर कर लेंगे एफ डी स्क्वायर एक्स, इतना सिस्टम होता है। 22.5 आया है हमारा एक्स बार, एक्स बार कितना आया है, 22.5, 5 में से 22.5 घटा दो, 22.8 आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों 8 इसको बना लीजिए, 8 आया हुआ है, तो 5 में से 22.8 घटा लो, 17.8, समझिए यहाँ पर आएगा, देखो 5 में से 22.8 घटाएंगे 17.8, इसको सीख लो, 15 में से घटाएंगे तो 7.8, और 25 में से घटाएंगे तो माइनस का आएगा यहाँ पर 2.8, उसके बाद 35 − 22.8 कितना रहा है, 12.2 माइनस का, प्लस का आएगा बेटा यहाँ पर, यहाँ भी प्लस का आएगा, यहाँ पर भी प्लस का आएगा 22.2, ठीक है, ये दो हो,
दो होना चाहिए, हाँ। एक ज्यादा लिख दिया गया है, ऊपर भी दो होना चाहिए, 2.2 कहाँ, 2.8 यहाँ पर 2.2 होना चाहिए। कहने का मतलब होता है 5 में 22.8, 15 में 25 में, 35 में, ये सब में घटा लेना है। फिर क्या कर देना है भैया, स्क्वायर कैसे होगा ये एफ, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर होगा हमारा, थोड़ा से ये गलती लिख दिया मैंने जल्दबाजी में, एफ डी स्क्वायर होगा, क्या होगा, एफ डी स्क्वायर होगा, तो याद रखिएगा एफ डी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आया है, डी एक्स आया है ना, सॉरी यार एफ डी एक्स होगा, एफ डी एक्स होगा ना यहाँ पर, एफ डी एक्स, कोई बात नहीं है, यहाँ पर होगा एफ डी एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स, तो याद रखना एफ का गुणा डी एक्स से करना है, 17.8 गुणे 8 माइनस का आएगा 142.4, थोड़ा कैलकुलेटर में साफ कम दिख रहा है, 7.8 का गुणा कर देंगे 13 से 101.4, 2.2 का गुणा कर देंगे 16 से 35.2, 12.2 का गुणा कर देंगे 8 से 97.6, आगे 22.2 का गुणा कर देंगे 5 से 111। अब देखो अब क्या करना है हमको, ये भी हो गया, अब डी एक्स ए है, एफ डी एक्स है, इसका भी गुणा करा दिया जाता है, इसका भी अगर हम गुणा करा देंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, 17.8 माइनस का है भैया ना, ये भी माइनस का आया है, ये भी माइनस का है, अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 17.8 का गुणा 142.4 से कितना आ जाएगा, 253। एक बार इसको गुणा कर लीजिए क्योंकि ये पन्नी इनमें लगी है, ठीक है, आपको ध्यान देना है आगे क्या करना है, समझो एफ डी एक्स का गुणा डी एक्स, डी एक्स में एफ का गुणा हो चुका है, तो डी एक्स डी एक्स आपस में टकरा जाएगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा अपने आप ना, एफ से गुणा हो ही चुका है, तो यहां लिखना है 17.8 का गुणा लिखना है 142.4 से आ रहा है 2534.72, उसके बाद 7.8 का गुणा 101.4 से कर दो 790.92। अभी इसको शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करेंगे जिससे आसानी हो, देखो 2.2 का गुणा कर देंगे 35.2 से 77.44, सब प्लस में आएगा भैया, यहाँ पर है कितना 112 है ना कि 12 है, 12.2 का गुणा कर देंगे 97.6 से, तो आएगा 1190.72, 111 का गुणा कर देंगे 22.2 से आ जाएगा 2664.2, जोड़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको अब जोड़ लेंगे हम, इसको अब जोड़ेंगे जब 2664.2 1190.72 प्लस 77.44 प्लस 790.92 प्लस 2534.72 आएगा 7058, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, तो आप उसी फॉर्मूले पर रख दीजिएगा 7058 एन कितना भैया 50 भागे 50 141.16, रूट निकाल लेंगे 11.88, इसको आंसर चेक कर लीजिए एक बार, दो आंसर चेक करिए बेटा दीजिएगा, दोनों का आंसर मिल चुका है, इसको शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं ताकि देखो इसमें जिसमें ये पॉइंट वगैरह आ जाता है इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं लगाना चाहिए, आपको ध्यान देना है जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया वही शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ। सूत्र याद रखना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर सूत्र होगा एच डी मतलब प्रमाप विचरण इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस
सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको समांतर माध्य नहीं मालूम करना रहेगा, इसमें मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू निकालेंगे एक्स ना, आधा कर दो, 5, 15, 25, 35, 45। उसके बाद क्या करना है, याद रखना हमारी बात को, एक्स में से ए माइनस कर लो, डी एक्स आता है। ए 25 को बीच वाला मान लिया मैंने, ठीक है, ए हमने किसको मान लिया, 25 को मान लिया, 5 में से 25 माइनस 20 माइनस 15, 5 में से 25 माइनस 20, 15 में से 5, 25 माइनस 10 होगा ना प्यारे बच्चों, माइनस 10 होगा, जीरो यहाँ पर, जीरो होगा, 10 प्लस का 10 होगा, 20 प्लस का 20 हो जाएगा। अब एफ का गुणा डी एक्स से कर दो, एफ का गुणा जब हम लोग डी एक्स से करेंगे तो याद रखिएगा 8 × 2 16 160 1600 13 × 130 130 ध्यान दीजिएगा माइनस का ना, उसके बाद जीरो प्लस का 80 100 फिर उसके बाद एफ डी स्क्वायर एक्स ना, यहाँ पकड़ लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा जी, वहाँ 160 होगा, यहाँ 160 होगा ना, वेरी गुड। ऐसे गलती अगर आप हमको बताएंगे तो हम जानेंगे, 16 × 2 3200 13 × 13 प्लस का आएगा सबब जीरो 800 ये सब प्लस का आ रहा है इसमें, यहाँ पर 2000 13 × 26 होगा, कहाँ ऊपर 130 × 130 स्क्वायर निकाले हैं ना, इसका गुणा 16 × 2 = 32 सही तो है सब, ठीक है। अब क्या होगा, सिग्मा एफ डी एक्स सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, माइनस का अगर आप चेक करेंगे 100 200 290 आ रहा है, प्लस का 180 आ रहा है, तो माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस का 290 माइनस का, अब इसको जोड़ लो, 3200 1300 2000 7300। एफ को जोड़ेंगे, एक 5 भैया 50 आएगा जोड़ेंगे तो रख दो 7300। एन कितना है, एन 50 और 190 माइनस का 50 का स्क्वायर कर दे, ठीक है। बोलो, ये 290 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा, हो सकता है, रुक जाओ, 290 माइनस 180 आएगा, वेरी गुड बेटा, 110 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 110 हो जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे 110, अब आप समझिए, यहाँ पर 7300 50 से भाग दे देंगे, 146, 110 में 50 से भाग दे देंगे, ठीक है, 146 माइनस 2.2 का वर्ग निकाल लो, 4.84 बोलते हैं, 146 में से 4.84 माइनस कर देंगे, 141.16। अब इसका रूट निकाल लेते हैं, 11.88 है, यही आया था ना। अब आप समझो, इसको आप लिख सकते हैं, समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड में समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है x = a + σ f(dx)/n। ये कितना हम लोगों ने माना भैया, 25 ना, 25 एफ डी एक्स माइनस का 190 एन 50। अब आप समझिएगा, 190 में 50 से भाग दे देंगे, माइनस का 3.8 आएगा, माइनस 25 कर दो, 21.2 समझो, 25 माइनस 3.8 21.2 आ गया, इसको रख लीजिए, उत्तर आ गया।